हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक रिव्यू वीडियो। जी हाँ, तो आज की वीडियो में बात करने वाले एक प्रोडक्ट की, जो है हिमालया नेचुरल ग्लो रोज़ फेस जेल। जी हाँ, ये रोज़ फेस जेल है और आज की वीडियो में मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, मेरा रिव्यू देने का तरीका आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। गाइस, प्रोडक्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए हमारा रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ब्रांड की बात करें तो आप सबको पता है कि हिमालया कितना वेल नोन ब्रांड है। तो जी हाँ, ये हिमालया की ओर से ही है, हिमालया नेचुरल ग्लो रोज़ फेस जेल। तो ये रोज़ फेस जेल है, जी हाँ, यानी कि रोज़ के इंग्रेडिएंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी की बात करते हैं। जो पॉट मेरे पास है तो ये 100 ml में आता है। जी हाँ, 100 ml का पॉट है मेरे पास। और अगर प्राइस की बात करें तो इसमें मेंशन है 85 rupees। जी हाँ, तो अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए। मैंने इसे लोकल स्टोर से लिया है और मुझे 1 rupee भी डिस्काउंट नहीं मिला है गाइस। जी हाँ, तो अगर आप चाहें तो लोकल स्टोर से ले सकते हैं, या ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये तो गई प्राइस की बात। अब हम पहले सेल्फ लाइफ की बात करते हैं। तो गाइस, इसमें आपको 3 साल की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। जी हाँ, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। फेस जेल है, वैसे तो ये रोज़ के आप कह सकते हैं रूटीन में बहुत काम आएगा, बट अगर आप रुक के यूज़ करते हैं, या फिर अगर किसी रीज़न से आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओकेजनली यूज़ करना चाहते हैं, जब मेकअप अप्लाई करें तब यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आराम से 3 साल तक चलेगा। तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये कुछ इस तरह की ही पैकेजिंग में आता है और बैक में मेंशन है नेचुरल ग्लो रोज़ फेस जेल। जी हाँ, तो ये रोज़ फेस जेल है और 85 rupees मैंने बता दिया। क्वालिटी फ्री है, नो एनिमल टेस्टिंग। जी हाँ, एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर केयर वगैरह के सभी चीज़ें नंबर वगैरह दी हुई हैं, तो आप आराम से इसे परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये फेस जेल है गाइज। अब हम इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले तो 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। तो गाइज, ये देखिए, ये मैंने रैप जो है वो उसे बीच से हटाया है। वैसे आप चाहें तो पूरा रैप हटा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी थिकनेस है जेल वाली, और बिल्कुल लाइट पिंक कलर में ये जेल आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह का, और बहुत ही अच्छा लाइट पिंक कलर यहाँ पे भी दिख रहा होगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और नॉर्मल थोड़ा सा पिंक शेड है इसका। और फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी रोज़ वाली फ्रेग्रेंस है। जी हाँ, और अच्छी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी लाइट नहीं है। मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल जो फ्रेग्रेंस होती है वैसी है, लाइट फ्रेग्रेंस नहीं है। बहुत भीनी सी जो लाइट फ्रेग्रेंस होती है वैसी नहीं है, थोड़ी अच्छी खासी इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो है। रोज़ की स्मेल आती है, बहुत ही फ्रेश फील होगा आपको इसे यूज़ करके। बट हाँ, स्मेल इसकी अच्छी खासी है, जो कि अप्लाई करने के बाद तुरंत चली जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक आपको स्मेल हो रहा है या हेडेक वगैरह हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जेल फॉर्म में आती है, तो मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का इसका टेक्स्चर है, आप देख सकते हैं। तो आप इसे मेकअप के बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि नाइट टाइम में, डे टाइम में, कभी भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी कलर नहीं, बिल्कुल लाइट पिंक था, जो कि आपको दिखेगा भी नहीं। और बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, बहुत ही अच्छी है। और स्पेशली अभी जो सीज़न है गाइस, या फिर जो सीज़न आ रही है, आप कह सकते हैं कि समर सीज़न, उसमें जेल्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, या फिर ऑयली नहीं भी है, तो भी आप इसे डेफ़िनेटली ट्राई करिए। ये बहुत अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। जी हाँ, मैं इसे मेकअप के पहले भी यूज़ करती हूँ, और कभी कभार नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है, स्मूथ और सफल भी बनाता है। अगर गाइस पिंपल्स के दाग वगैरह की बात करें, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ये पिंपल के दाग वगैरह नहीं मिटाता है। बट हाँ, अगर आपकी स्किन जो है वो रफ़ लगती है, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं लगता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन को ये सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा और आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, क्योंकि ये जेल है तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी स्किन जो है वो आप कह सकते हैं कि नरिशमेंट मिलेगी उसे, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्लो करेगा। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है गाइज। इस तरह के कंटेनर में आता है, और जो इसकी स्मेल है उससे आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी रोज़ वाली स्मेल है, और जेल फॉर्म में है जैसा कि कहा। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है। तो इसे आप नायका, या फिर अमेजोन, या फ्लिपकार्ट, जहाँ पर भी अवेलेबल हो, मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइज। रोज़ फेस जेल है, तो अगर आपको रोज़ पसंद है, रोज़ की स्मेल पसंद है, या आप भी थोड़ा सा ग्लो चाहते हैं अपने फेस पे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
मुझे ये बहुत पसंद आया है और मैंने इसे रिसेंट में ही परचेस किया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है, यानी कि 85 रुपीज़ में है सिर्फ, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। बहुत यूजेस आप कर सकते हैं इसके, मेकअप के पहले, या फिर आप कहें तो आप नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं, फेसियल के बाद यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये डिफरेंट वेज में आपके बहुत काम आएगा और बहुत ही अच्छा है, स्मेल भी बहुत अच्छी है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाती है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे भी है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है गाइज, और डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो गाइज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मैं इसे फुल्ली रिकमेंड करती हूँ, इसकी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हाँ, एक बात है कि इसका जो स्मेल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कि नॉर्मल टाइप का है, ऐसा नहीं कि बहुत लाइट है, बिल्कुल हर्बल टाइप का या एकदम लाइट स्मेल है, जी नहीं, अच्छी खासी स्मेल है इसकी, रोज़ की स्मेल है, कुछ गंदी स्मेल नहीं आती है, रोज़ की स्मेल है, तो बहुत ही अच्छा है। बट हाँ, ये एक पॉइंट है, अगर आप चाहेंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है और मैं डिफरेंट वेज में इसे यूज़ भी करती हूँ। आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए